टू फाउंडेशंस टीवी एवरीबॉडी, वी आर हियर विद अ ब्यूटीफुल गेस्ट जो इंडिया से आई हैं, रादर कश्मीर से आई हैं, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ लेकर. एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, वेरी फेमस, समटाइम्स कॉल्ड एज कोकिला ऑफ कश्मीर एंड अदर टाइम्स कॉल्ड द लता मंगेशकर ऑफ कश्मीर. तो इट्स एन ऑनर टू हैव यू कैलाश मेहरा जी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे. थैंक यू सो मच आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपसे बातचीत करके मज़ा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप के हमने गाने सुने हैं और आप की आवाज़ सुनी है, बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बहुत सुंदर गीत गाती हैं आप. तो उसके बारे में आप हमें ये बताइए पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड एज अ फैमिली बैकग्राउंड. गाती तो कश्मीरी है लेकिन मैंने सुना है कि आप हैं नहीं कश्मीरी. तो उसके बारे में बताइए. हाँ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग एक्चुअली. ऐसा है कि मेरे फोर फादर्स जो हैं, दे वर फ्रॉम एक्चुअली पाकिस्तान, सियालकोट टचिंग जम्मू. तो पार्टीशन के बाद फिर वो आके कश्मीर में बस के, और तब से कश्मीर में ही हमारी जनरेशन जो हैं, तो वी लिव्ड इन कश्मीर. मतलब ओरिजिनली कश्मीरी नहीं है बट सेटल डाउन इन कश्मीर. और आई वॉज टू बॉर्न आउटसाइड कश्मीर, नैनीताल में और यूपी में. और मेरे फादर थोड़ी देर बीच में एक दो साल बाहर गए थे और फिर उसके बाद आ गए. बाकी मेरी जो सारी एजुकेशन है, स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग, वो सारा सब कश्मीर में हुआ है. हाँ, और वहाँ स्कूल हमारे जो बहुत फेमस स्कूल है, देवकी आर्यपुत्री पाठशाला, उस स्कूल में मैंने पढ़ा, और बड़ा प्रेस्टीजियस स्कूल भी है. और कॉलेज जो है हमारा, वो बहुत ही फेमस, बहुत बड़ा कॉलेज है, एम ए रोड, मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज, कश्मीर का सबसे फेमस और बड़ा कॉलेज है. वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की. तो ये तो हुई पढ़ाई लिखाई की बात. म्यूज़िक कब से आपने शुरू किया, कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको शौक़ है म्यूज़िक में? मुझे तो वैसे ही शौक़ था गाने का, गाती रहती थी छोटी सी, रेडियो पर कुछ सुनना, उस ज़माने में बहुत छोटी मेहदी हसन साहब की गज़लें सुनना, उसके साथ साथ गाना या फिल्मी गाने गाना. तो स्कूल में एक्चुअली जो है वो हमारे स्कूल के कुछ मेरे कुछ सीनियर्स थे, स्टूडेंट्स जो हमारी फैमिली को जानते थे, तो उनको पता था ये इसकी आवाज़ अच्छी है. तो वो इनफैक्ट मुझे कभी क्लास में ले जाते थे अपने, जब हाफ टाइम होता था रिसेस, उस टाइम वो मुझे ले जाते थे, वहाँ चने वने खिलाते थे मुझे, तो गाने भी सुनते थे. तो उन्हीं ने फिर मुझे हमारे सैटरडे कर में, हर सैटरडे को एक बाला समाज करके नाम से सैटरडे को एक्टिविटीज़ होती थी स्टूडेंट्स के लिए, और एक दिन मुझे वहाँ खड़ा कर दिया और कहा कि कुछ सुनाओ आप. तो वहाँ फिर मैंने एक वो फिल्म का ही भजन था वो गाया, और मेरे प्रिंसिपल और सारे टीचर्स एकदम कहने लगे तो लड़की कुछ कर सकती है, ये तो बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी. तो स्कूल में भी हमारा ऐसे हॉबी क्लास होती थी म्यूज़िक की, और वहाँ पंडित स्वरूप नाथ सप्रू जी थे, बहुत अच्छे टीचर थे, वो सिखाते थे हमें. लेकिन उसी स्कूल में हमारा संगीत महाविद्यालय चलता था, तो फिर मेरी जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ आइए शाम को, तो आप प्रॉपर, आप तो अगर आपकी अच्छी ट्रेनिंग होगी तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं. तो आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक एट द एज ऑफ 10, और वहाँ हमारे कश्मीर के, बल्कि हमारी स्टेट के फेमस गुरु पंडित शंभुनाथ सोपुरी जी, सूफियाना घराना ऑफ कश्मीर, तो काफ़ी उन्होंने बहुत सारे शिष्य पैदा किए हमसे पहले भी. तो फिर उनसे मेरी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है क्लासिकल म्यूज़िक की शुरू हुई.
वेरी नाइस. तो क्लासिकल ट्रेनिंग आपने स्कूल से ही शुरू कर दी और फिर आपने आगे भी फर्दर एजुकेशन आपने किया म्यूज़िक में ही, राइट? वो तो ये तो बचपन से शुरू हो गया सीखना क्लासिकल, और फिर स्कूल ख़त्म होते होते कॉलेज हो गया. तो अभी स्कूल में ही थी, टेंथ क्लास में, तो ऑडिशन वगैरह रेडियो पे दिया. तो उस ज़माने में गुरु जन इजाज़त देते थे कि अब आप जा सकते हो. आज तो हर कोई कलाकार पैदा होते ही बन जाता है लेकिन उस वक्त गुरुजन पहले इजाज़त देते थे, अब आप जा सकते हो. तो रेडियो का भी शुरू हो गया, वहाँ से कॉलेज एंटर किया टेंथ के बाद. हमारे टाइम में तो टेंथ के बाद ही होता था. तो कॉलेज की एजुकेशन के बाद देन आई डिड माय संगीत प्रवीण फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद. और वो करने के बाद फिर दोबारा से मुझे, चूंकि हमारी स्टेट जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी फॉर जॉब्स एट्सट्रा, तो फिर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एमए म्यूज़िक करना पड़ा. या तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय एजुकेशन. बट जो रेडियो का है वो बहुत छोटी उम्र से ही, बस टेंथ अभी किया था तो रेडियो पर गाना बजाना शुरू हो गया. बट दैट वॉज लाइट म्यूज़िक इन फैक्ट. हाँ, गीत गज़ल ऑडिशन पास किया लाइट म्यूज़िक में और शुरू हो गया. तो रेडियो पर जब आप गाती थी तो आप कश्मीरी में गाती थी और किसी लैंग्वेज में भी गाती थी? नहीं, शुरू तो किया था, क्योंकि मैंने ऑडिशन तो लाइट म्यूज़िक में दिया था, गज़ल गीत भजन. तो वो एक दो रिकॉर्डिंग्स के बाद एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे तो मेरे गुरुजी के जो सुपुत्र हैं पंडित भजन सोपोरी जी, ही इज़ फेमस संतूर मास्टर, तो वो पैक्स थे वहाँ रेडियो में. तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही कहा बिटिया चलो कुछ कश्मीरी ट्राई करते हैं, कश्मीरी तुम्हारा रिकॉर्ड करते हैं. मैंने कहा ठीक है. तो कश्मीरी गाने उन्होंने दो मेरे रिकॉर्ड किए. वो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उन्होंने वो फरमाइश में डाल दिया. फरमाइशी प्रोग्राम हमारा होता था कश्मीरी में, उसे हम तुहुंस फरमाइश लैंग्वेज में. हाँ, तो वो बड़ा फेमस प्रोग्राम था, बहुत ही फेमस प्रोग्राम था. तो उसमें वो गाने बजाए उन्होंने, तो उसके बाद एकदम से फरमाइशें आनी शुरू हो गई. तो फिर लोग उर्दू, तो वहाँ कश्मीर में हमारा वैसा भी, चूँकि कश्मीरी लैंग्वेज अपर हैंड था तो ज़्यादा उर्दू के चंग इतने थे भी नहीं, तो कश्मीरी तो सवेरे से शाम तक था. तो बस फिर वहाँ से मेरी कश्मीरी जर्नी ज़्यादा शुरू हो गई. तो कश्मीरी के अलावा और गज़लों के अलावा आपने और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाया, वो कैसे आपने फिर शुरुआत हुई? और अलग अलग लैंग्वेज, तमिल में भी गाया और बहुत सी लैंग्वेजेस में गाया, उसके बारे में बताइए. कश्मीरी के अलावा जो डोगरी है वो तो मेरी मातृभाषा है, मदर टंग है, इसलिए जम्मू में, जम्मू के रेडियो पर मेरा डोगरी बहुत चलता है, बहुत गाने चलते हैं. और हमारी एक और भाषा बहुत कॉमन है, गुजरी, क्योंकि हमारा गुज्जर तबका पहाड़ी इलाका है ना, तो हमारे गुज्जर बहुत रहते हैं कश्मीर में भी पहाड़ों पर और जम्मू में भी. तो गोजरी भाषा भी बड़ी हमारी पॉपुलर है, तो गोजरी में मैंने बहुत गाया. तो जो गुज्जर हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा क्यों आप कश्मीरी गाओगे, डोगरी गाओगे, तो हमारी भाषा में क्यों नहीं गाओगे. तो गोजरी बहुत गाया, एंड प्लस पहाड़ी जबान हमारी बहुत, वो भी हमारे स्टेट में ये है, तो पहाड़ी में भी फिर गाया. उसके अलावा तो पंजाबी, फिर जहाँ जहाँ गए, जहाँ जो डिमांड होती है, तो गज़ल तो है ही है, उर्दू है. बाकी जो तमिल, बांग्ला वगैरह है, वो ये है कि हमारे जो J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड म्यूज़िक, उसके थ्रू हमारे ट्रिप्स वगैरह बाहर जाते थे बहुत. और देन जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, वो इस बात को बहुत मानते थे कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो
म्यूज़िक के ज़रिए बहुत आसान है। तो हमारे ट्रूप्स जाते थे बाहर, बाहर के ट्रूप्स हमारे यहाँ आते थे, वो आज भी ऐसा होता है। तो क्योंकि म्यूज़िक जो है वो एक बहुत ईजी ज़रिया है जोड़ने का, तो म्यूज़िक हमेशा जोड़ता ही है। हाँ, तो उस सिलसिले में हम पूरे हिंदुस्तान में कभी साउथ कभी वेस्ट की तरफ, तो उसी दौरान फिर मुझे कहा जाता था कि अब अगर मद्रास जा रहे हैं तो एक ये होना चाहिए, तमिल होना चाहिए, तमिलनाडु में जा रहे हैं तो वहाँ मलयालम होना चाहिए, आंध्रा में तेलुगु होना चाहिए, बंगाल में बंगाली होना चाहिए। तो वो किसी किसी के पास मुझे भेजते थे, जो तमिल और मलयालम और तेलुगु है वो तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, हाँ साउथ में ही उन्होंने मुझे सिखाए और मैंने वो गाए। तो अब वो तो उन्हीं को पता है, बट ये है कि जैसा प्रेस का काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पांस और लोगों ने भी बहुत अच्छा स्टैंडिंग ओवेशंस, और तो पता नहीं भगवान की तरफ से ही कुछ है। तो आजकल तो खैर जैसे आपने पहले भी कहा, आजकल तो कलाकार पैदा होते हैं और जर्नी भी उनकी आसान है क्योंकि काफ़ी इजीली एक्सेप्टेबल करियर है इन म्यूज़िक ना। आज एक्सपोजर बहुत है, आजकल पेरेंट्स हर बच्चे को उंगली पकड़ के ले जाते हैं जहाँ कुछ हो रहा है। हमारे वक्त में ऐसा कुछ नहीं था, इस वजह से हमने बहुत सारे मौके भी खो दिए, बचपन में खो दिया। जैसे सुरेश वाडेकर जी के गुरु हैं, वो चाहते थे, मेरी मदर को कहा कि ये हमें दे दो तो बस ये बन जाएगी। मैंने कहा छोटी बच्ची को कहाँ बॉम्बे भेज दूँ। बड़े हुए शादी के बाद राम तेरी गंगा मैली के टाइम राज कपूर जी ने और वो उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो कश्मीर आए, रविंदर जैन जी, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी, वो रेडियो गए, उन्होंने वहाँ रिकॉर्डिंग सुनी और उन्होंने दो आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया था, मैं और हमारे एक मेल सिंगर बहुत अच्छे, अब एक्सपायर हो गए वो, विजय मल्ला जी। तो उन्होंने दो वॉइसिस को सिलेक्ट किया था, तो उस वक्त भी सरकमस्टांसिस की वजह से इजाज़त नहीं मिली। तो हमारे टाइम में थे नहीं, है ना, हमें चांस इतना नहीं और कुछ इतना वो एनकरेजमेंट भी नहीं थी। लेकिन आजकल जो पेरेंट्स हैं वो हर फील्ड में कोशिश करते हैं, म्यूज़िक में तो आज बिल्कुल ही एक पैशन हो गया है। लेकिन ये है कि बेसिकली जब तक ना एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर शिक्षा के, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जब तक जो सीख के सामने नहीं आएगा तो उसकी जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए वो लाइमलाइट में आते हैं लेकिन फिर उसके बाद वो हाथ नहीं आते हैं। तो लेकिन ये है कि लेकिन आजकल एनकरेजमेंट बहुत है पेरेंट्स की तरफ से और एवेन्यूज बहुत सारे हैं, दैट्स अ फैक्ट। या आपने तो बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे अपने टाइम में, तो एज अ वुमन, एज अ गर्ल चाइल्ड। हमारे तो कश्मीर में बहुत कंजर्वेटिवनेस था, वहाँ हमारे लेडीज़ का गाना बजाना ठीक नहीं समझते थे बिल्कुल। तो उस ज़माने में हमसे पहले जो कुछ सिंगर्स हमारे रहे, बहुत फेमस सिंगर हमारे राज बेगम रही हैं, अभी हैं, वो ज़िंदा हैं भगवान की दया से, और नसीम अख्तर थी, जून बेगम थी, फोक सिंगर्स थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत फेस किया है, लोगों ने बुरा भला भी उनको कहा। तो लेकिन फिर करते करते किसी को तो फेस करना ही पड़ता है, किसी को तो पहला पत्थर खाना पड़ता है। तो वो जर्नी चलते चलते फिर उसके बाद हमारे और बहुत अच्छे सिंगर्स, आशा कौल जिन थी, रीटा कौल और एक जतिंदर कौर जिन थी, एक निर्मला सटून थी, तो वो जर्नी के बाद फिर हमारी बारी आई। तो हमारा एरा कुछ ऐसा था ईश्वर की दया से कि, और ये पंडित भजन सोपोरी जी ने कुछ थोड़ा चेंज लाया म्यूज़िक में, तो कंपोजिशंस बनाई, नहीं तो म्यूज़िक हमारा जो कश्मीरी म्यूज़िक था वो सारा फोक म्यूज़िक था, जो ट्रेडिशनल फोक है, लेकिन उन्होंने पोइट्री को कंपोज़ किया, कंपोज़ करके सामने लाया, तो डेफिनेटली वो जो कंपोज़ की हुई चीज़ है, लेकिन था वो ट्रेडिशनल दायरे में ही,
लेकिन चीज़ें कंपोज्ड थी और 5 मिनट 6 मिनट या 8 मिनट में, तो हमारा फोक म्यूज़िक जो है वो आधा आधा घंटा चलता है, रोफ है, छकरी है। तो अब जब लोगों ने देखा 5, 8, 10 मिनट में तो बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है, तो पहले थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ लेकिन बाद में लोगों ने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया उसको, और तब से बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाने लगा म्यूज़िक कश्मीर में पर्टिकुलर। जम्मू में इतना नहीं था लेकिन कश्मीर में ये बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ से फिर कॉलेजेस में भी मेरी पोस्टिंग हो गई, अनंतनाग कॉलेज, विमेंस कॉलेज में एज लेक्चरर। तो मैंने भी वहाँ जाके, नहीं भेजते थे पेरेंट्स, तो मैंने वहाँ जाके कुछ लोगों के तो घरों में जाके, जो मैंने स्टूडेंट्स देखा कि वाकई ये कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो उनको कन्विंस करना पड़ा उनके घरों में जाके कि ये इबादत है, गाना बजाना तो एक इबादत है, तो आप एक बार इनको सब्जेक्ट लेने दो, फिर उसके बाद। तो एनी हाउ आहिस्ता 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 लोग जो हैं वो कन्विंस होने लगे। दैट्स वेरी नाइस। तो आपने ना कि सिर्फ खुद अपना रास्ता बनाया एज अ सिंगर, बट आपने और लोगों को भी रास्ता दिखाया और बहुत सारे अवार्ड्स जीते और बहुत ट्रैवल किया इंडिया में भी और अब्रॉड भी। तो आज की डेट में आप जब सोचते हैं, बस जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताइए कि व्हेन यू लुक बैक, यू नो, व्हाट इज़ योर स्पेशल मेमोरी और सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट दैट यू फील, कि आपको लगता है कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अचीव किया है? नहीं, मुझे तो लगता है अभी अचीव करना बहुत बाकी है, लेकिन शुक्र है भगवान का कि यहाँ तक का जो सफ़र था है बहुत अच्छा है। उसमें मेन, अब मैं ये बताऊंगी कि शादी के बाद जो होता है, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो शादी के बाद आपको वैसा माहौल मिले न मिले, लेकिन आई एम लकी अनफ कि मेरी फैमिली जो मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, अ वेरी रिस्पेक्टेबल रिस्पेक्टफुल फैमिली है कश्मीर की, एंड दे नेवर स्टॉप्ड मी, एंड स्पेशली माई मदर इन लॉ। अभी जैसे मैं आज भी यहाँ हूँ, जब बच्चे मेरे छोटे थे तब भी उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप अपना काम करो, ये मेरे हवाले हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। सो मेरे हस्बैंड इक्वली, और प्लस लोगों का प्यार जो है, ख़ासकर मेरी कश्मीरी कम्युनिटी जो है सबसे ऊपर, जिस कश्मीरी लैंग्वेज की वजह से मुझे इतना नाम मिला है, और उनका बहुत बड़ा हाथ है, मुझे चाहते हैं, मुझे सुनते हैं, और मुझे आगे बढ़ने का उससे बहुत हौसला मिलता है। और आपकी जर्नी सुनने के बाद आई थिंक हम सबको भी बहुत हौसला मिलता है कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, और बहुत यू नो, आई एम सच अ नाइस वंडरफुल लाइफ जर्नी दैट यू हैव, द पिक्चर दैट यू हैव पेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस एंड शेयर्ड द डिटेल्स, थैंक यू सो मच, एंड आई होप दैट इट इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल दोज हु आर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।